हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के एक शराब ठेके के पास एक युवक का खाई में पड़ा हुआ शव पाया गया। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि युवक के दो अन्य साथियों के साथ एक शादी समारोह में गया था और बाइक से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद साथी उसे छोड़कर भाग गए। सुरसा में एक शराब ठेके के पास एक अज्ञात युवक का शनिवार सुबह झाड़ियों में पड़ा शव देखा गया तो सनसनी फैल गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी अनिल यादव, सीओ सिटी विकास जायसवाल फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और शव की पहचान कराने के प्रयास शुरू किए। युवक की पहचान पुष्पेंद्र पुत्र रमेश निवासी मोना सेमरा चौकी सुरसा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक दो अन्य साथियों के साथ बाइक से खजुराहरा मजरा भिरिया में अर्जुन की लड़की की शादी में शामिल होने गया था। बाइक से गिरने के बाद इसकी मौत हो गई तो अन्य दोनों साथी उसे छोड़कर फरार हो गए। एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारी सुरसा के सूचना मिली कि सड़क के किनारे ग्राम सुरसा में एक डेडबॉडी पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की, पता चला कि मृतक का नाम पुष्पेंद्र है जो कि मोना का रहने वाला है। इसके साथ इसके दो साथी थे जो ग्राम भेरिया में शादी समारोह में गए थे। लौटते वक्त 2 बजे के आसपास इनकी गाड़ी सामने से गाड़ी आने के कारण अनियंत्रित होकर के बगल में गड्ढे में गिर गई और उसके दोनों साथी उसको छोड़कर के गांव चले गए। पुलिस ने उन लोगों से बात की है और यह पता चला है कि अनियंत्रित होने के कारण स्वयं ये गिरा है। पुलिस ने सबको 95 भर्ती उस्मान के लिए भेजा है और उसे विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।